राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कला संकाय के परीक्षा परिणाम में एचआरडी उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कृष्णा प्रजापत ने 94% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विद्यालय निदेशक बलराम किलेरी सहित विद्यालय स्टाफ ने कृष्णा प्रजापत के भोजलाई बास स्थित घर पर पहुंचकर उसे बधाई दी। इस अवसर पर दादी मुन्नी देवी ने तिलक लगाकर तथा मां प्रेम देवी ने माला पहनाकर कृष्णा को बधाई दी एवं आशीर्वाद दिया। दादा मालचंद प्रजापत, पिता सांवरमल प्रजापत, अंकल चुनीलाल, भाई रतन आर्यन, एचआरडी स्कूल के निदेशक बलराम खिलेरी, विकास भट्टेसर, राकेश गुलेरिया, अशोक बेनीवाल, आकाश प्रजापत आदि ने मिठाई खिलाकर कृष्णा को बधाई दी। कृष्णा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा दादी, माता पिता व गुरुजनों को दिया। विद्यालय के निदेशक बलराम खिलेरी ने बताया कि कृष्णा के अलावा कृष्णा निठारवाल ने 92.60, पूजा सुथार ने 91.60 तथा कमल बिजरणिया ने 89.80% अंक प्राप्त किए हैं। खिलेरी ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। चेयरमैन धर्मराज भट्टेसर, निदेशक बलराम खिलेरी, प्रधानाचार्य महेंद्र देवल ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बधाइयां दी हैं। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी विद्यालय में कला वर्ग में 54 बच्चे थे, जिनमें से 93 और टॉप कृष्णा प्रजापत 94%, सेकंड करिश्मा निठारवाल 92.60, थर्ड पूजा सुतार 91.60% और हर तीसरा बच्चा एटीसी करो 80% से ऊपर है। और किसी इसके लिए मैं उनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सतत क्रियान्विति और स्कूल मैनेजमेंट और विद्वान शिक्षक साथियों की टीम और गार्जनों की अगर मोटिवेशन के साथ अगर बच्चा अध्ययन करता है तो कहीं भी रहकर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में सफलता अर्जित कर सकता है। जा पता है, मैंने एचआरडी स्कूल से मैंने अपनी स्टडी पूरी की है और मैंने अभी 12th में 94 अभी मार्क्स प्राप्त किए हैं। और मैं अपनी सफलता का जो श्रेय है वो सभी गुरुजनों और साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। और मैंने ये जो 94 मार्क्स है मैंने रेगुलर स्टडी करके प्राप्त किए हैं। और मतलब सभी स्टूडेंट जो है कोशिश करके मेहनत करके मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता 94 मार्क्स प्राप्त करना, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और ऐसे मैंने करके मार्क्स प्राप्त। वार्ड नंबर 5 के कुछ लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर वार्ड की दो गलियों में सड़क का निर्माण करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में लालचंद जानू के घर से नारायण गोधारा के घर तक, मांगीलाल नाथ के घर से मोहरी कंवर के घर तक सड़क बनाए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि ये गलियां बची हुई होने के कारण बरसाती दिनों में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। ज्ञापन पर आयुक्त ने समस्या के समुचित तरीके से समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन पर रामूराम पूनिया, पिंटू पूनिया, विकास जाकड़, शंकर लाल, नरेंद्र जाकड़, राजकुमार जाकड़, कृष्णाराम जाकड़ सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षर हैं। एक तो सड़क निर्माण कार्य की एक क्रॉसिंग नाली वो कम से कम 1 फुट चौड़ा है और प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और सड़क है वो सर्वसर माध्यम इंद्र वहाँ आने जाने में बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। तो मैं नगर परिषद आयुक्त महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जनहित के जो भी कार्य है वो समय पर करा जाए ताकि जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। क्षेत्र के गांव गिड़ाब के व्यक्ति ने ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंप और उसके द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने व उसकी जान माल की रक्षा करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 30 मई से पहले भी आरोपियों ने गांव की शिवनाड़ी अढ़ाणी में प्राणघातक हमले की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। 30 मई को आरोपियों ने फिर से हमला करके आपराधिक वारदात को अंजाम दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मेरी पत्नी के साथ गलत हरकत से मना करने पर आरोपियों ने शराब के नशे में धारदार हथियारों, तारों से गूंथी लाठियों से ताबड़तोड़ वार करके जान से मारने की कोशिश की, जिससे मेरा पैर टूट गया। प्रार्थी ने बताया है कि मुझे राजकीय बगड़िया अस्पताल से सोमवार को छुट्टी दी गई है, लेकिन अब वापस गांव जाते ही मुझे आरोपियों से जान माल व इज्जत का खतरा बना हुआ है, अतः हमारे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे, आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान गाँव के अनेक लोग भी मौजूद रहे। 31 तारीख मनमार कोट राड़ दियो, बाद में भर्ती लियो तो मैंने जहाँ आज 6 तारीख की छुट्टी दी डॉक्टर साहब, तो मैं बटूँ क्या छोड़ता है बिल में मार आप
मेरी मांग है स्टेशन ने जो फाइल दे दी और जी मन खतरो है मारने का तो वन जल्दी में जल्दी पकड़ो बेबट भी है फिर भी है, मीटिंग है मारी भी है लेन देना मन डाणी में बन गई।